अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वाफिया से होंगे। हमारे मिनी जू का हाल चेक करें आप लोग यार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मेरे मिनी जू का हालात देखते हैं आप। हालत देखिए मिनी जू की, ये इतना गंदा पता नहीं कैसे हो गया, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। ईद के दूसरे दिन हमने इतना धोया इसको, इतना साफ़ सुथरा किया है, और अब आज आप इसकी हालत देखें, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है। अरे तेजी ऐसी की कैसी, चुप कर रहा नहीं कर रहा। तो आज अबे सिम्बा क्या कर रही है, सिम्बा आज आपके लिए मैं स्पेशल ट्रीट लेकर आया हूँ। आपको जो है ना बड़ा मज़ा आने वाला है, आपके लिए ना मैं बड़ा ज़बरदस्त खाना लेकर आया हूँ भाई। आज आप जो है ना आज इंशाल्लाह गोश्त खाओगी भाई। हमारे जो है ना कसाई यहाँ के जो चिकन मिल के पा होता है वो फाइनली आ चुके हुए हैं भाई। हाँ तो जी अभी करना के अभी यार ये मुर्गियाँ जो है ना यहाँ पे कैसे, इनके पर इधर कैसे आए हुए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे जो लग रहा है ना हमारे यहाँ जो मिनी जू को गंदा होने की वजह एक मुझे ये भी लग रही है कि वो जो क्या हुआ है आज हमारा ये जो केज है ना ये वाला ये खुला रह गया था। वो ये क्या सीन है भाई, तू कहाँ से आ रहा है भाई, ये क्या सीन है भाई, ये कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे। जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। सुरखाब को चेक करें, सुरखाब के केज में कोई अंडा वगैरह तो नहीं है ना यार, अंडा वंडा कोई नहीं सुरखा आपके केज में। और क्या नाम है यार, इन्होंने जो है ना मुझे एक चीज़ इनकी बड़ी अजीब लग रही है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही इससे तो लग रहा है कुछ भी मुझे इनकी चीज़ एक चीज़ मेरे कबूतरों की समझ नहीं आ रही। ये लोग यहाँ पे आ तो गए पर ये लोग एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब समझ नहीं आ रही। ये घर वगैरह नहीं बना रहे शायद, ये लोग एक केज में ज़्यादा तो नहीं हो गए मेरे से, कि मतलब एक केज में मैंने ज़्यादा परिंदे रख दिए हों उस वजह से इनका जो है ना एक केज में मैंने ज़्यादा लोग रख दिए हो उस वजह से। मेरा ख्याल ये लोग ऐसे कर रहे हो कि भाई अपना घोंसला उसने तैयार ना कर रहे हो और वहाँ पे रह ना रहे हो। पर ये मास्टर केज है यार, यहाँ तो इशू नहीं होना चाहिए इनको कि मतलब कि यार कि छोटी जगह है यहाँ ज़्यादा परिंदे हैं, कोई ऐसा मामला तो भी नहीं है। मतलब मास्टर केज में तो ये सब एडजस्ट आराम से करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा परिंदे रखे हुए होते हैं लोगों ने। मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, ऊपर पेटियाँ वगैरह लटकानी पड़ेगी इनके लिए। मुझे लग रहा है कबूतरों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा मेरे को। अब चलो उससे पहले अब बाकी बातें तो बाद में करते हैं। अब सिम्बा के जो स्पेशल चीज़ है ना वो ले लूँ, ये तो भाई उतार ली हुई पड़ी है इतनी। सिम्बा पहले पानी पियो फिर आपको मैं देता हूँ खाना, स्पेशल खाना है आज आपके लिए। चले सिम्बी पानी पी, चल पानी पियो आप, पियो पानी। देता हूँ भाई तुम लोगों को भी देता हूँ, तुम लोग ऐसे मत देखो, दे रहा हूँ। वो देखो उनकी हालात देखो, ये हालत चेक करो, ले लो पानी। सिम्बा ये लो भाई, ले लो ये लो, तो पकड़ जा तुम्हारा ही, तुम लोग की मेहरबानी। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, मनी आ गई तेरे को। हाँ तो अभी हम क्या करते हैं, इन सबको जो है ना खाना वगैरह वो डाल दें, दाना पानी वगैरह डालते हैं और पी ले भाई पानी पी ले। ये सारे चूजे आज पता नहीं कैसे बाहर आए हुए थे खुद ब खुद ना, मुझे समझ ये नहीं आ रही है मतलब ये कैसे ये लोग बाहर निकल के आ गए भाई। मैंने जाते हुए मुझे याद है मैंने इसको कुंडी लगाई थी, इसके बावजूद ये जो है ना अरे कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हो भाई। ओए सिम्बा सिम्बा मोबाइल को खा रही है भाई, कह रही है मोबाइल खिलाओ मेरे को। या सिम्बा को खाना खिला ही देते हैं वाला भाई। ये ले भाई ये ले सिम्बा, सिम्बा प्रैक्टिस स्टे, सिम्बा रुको, अबे तीरी है ऐसी की तैसी। ये लो सिम्बा आप वो खाओ, आप पहले ये खाओ फिर मैं आपको और देता हूँ। उससे पहले हम रैबिट को खाना डाल देते, रैबिट बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे ना यार, रैबिट को खाना दे देते। अभी खाओ भाई,
अभी इतनी जल्दी सारा कैसे खा जाती है, मुझे ये समझ अजीब है। ये कहिए खाओ खाओ, अंदर फेंको अंदर फेंको। अबे भाई क्या कर रही हो सिम्बा, थोड़ा थोड़ा खाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिम्बा तो एकदम फेंके जा रही है। बोरा बस ये आखिरी है इसके बाद सिम्बा। अबे बोरा चलो ये खाओ बस फिनिश, और नहीं है अब। अबे क्या सीन है, ये किधर किधर से निकल के आ रहे, कितने चूजे निकले हैं बाहर। अभी भी मेरा ख्याल, अबे चलो अंदर, अभी भी मेरा ख्याल एक दो चूजा और जो है ना वो रहता है हमारा, वहाँ से नीचे आने वाला है। कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, एक आए पे एक और साथ में। मुझे याद है हमने गिने थे जब साथ थे ये ना हमारे पास, तो अभी इनको दाना पानी डालते सबको यार। पहले सिम्बा पानी पी लो वरना मैं और किसी को डाल दूँगा। पानी। सिम्बा हमारी कह रही है भाई और खाना, और तो नहीं है भाई। ऐसे पीछे पीछे पड़ गई है। असल में सारी दादी केज में रहती है ना यार, तो अभी इसका अभी हम इंशाल्लाह एक दिन क्या करेंगे, इसका केज भी हमने तैयार करवाना है। क्योंकि यार ये जो है ना अभी ज़्यादातर धूप में पड़ी रहती है, धूप इसके लिए सही नहीं है इतनी खास ना, मतलब ये सारा दिन धूप में रहती है। सेफ्टी रूम में इसको रखता हूँ, सेफ्टी रूम में रहती नहीं है, चीखती बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो इसका जो है ना हमने यहाँ पे ना इधर के कोने में ना इसका इंशाल्लाह हमने घर बनवाना है, जिसमें ये ना मज़े से आराम से छाँव में रह सके। क्योंकि बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है सारा दिन। और मैं क्या करता हूँ, मुर्गियों को पानी डाल दिया, अब सिम्बी बस कर गया भाई। चलो ये हो गया ये, और इनके लिए दाना, रैबिट का खाना पहले यार, रैबिट को सबसे पहले खाना दे। ये लो हमारे प्यारे प्यारे रैबिट, आपका खाना आ गया। मुर्गी कह रही है मैंने भी खाना है। ये लो भाई पानी में डालता हूँ आप लोगों को, दाना में लाया था दाना कर, वो रहा भाई। ये हाँ दाना ये मुर्गियों को और डक्स को मैं डालता हूँ। सिम्बा कह रही है मुझे भी डाल दो भाई, मुझे भी खिला दो। चलो इधर मुर्गी, चलो। अबे चलो अंदर। दाना डालने में दाना, सिम्बा सिम्बा ने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, पता नहीं क्या करती है सिम्बी। ये देख रहे हैं आप सिम्बा का केज किधर है, सिम्बा इधर आओ जरा, सिम्बा आओ आओ सिम्बा आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिल्वर टाइम में बताऊँ आपको, चल भाई सिम्बा पुराने घर में आ जा। सिम्बा के साथ हो गया है लोका, सिम्बा को हमने घर उसके पुराने घर में बंद कर दिया है, और हमारे इंक्यूबेटर में से बचे बदोपति अंडे जो है ना अनफर्टाइल हो रहे हैं। इसमें से मैंने कल भी दो अंडे निकाल के चेक किए, वो दोनों भी अनफर्टाइल थे उसमें, मतलब अच्छा इसमें एक मुसीबत है, बच्चा इसमें बन जाता है पर वो अंडे से निकलता नहीं है, वो उसी में मर जाता है, प्रेगनेंस फेल हो रहा है। यहाँ तो मुझे इसकी सेटिंग सही करना नहीं आ रही, यहाँ तो फिर इसमें कोई मसला है भाई इंक्यूबेटर के अंदर, क्योंकि जो जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी मैं वो बिल्कुल फॉलो कर रहा था, उसको फॉलो कर लिया, मैं इसको चला रहा हूँ। हमने अपनी एक सुखाव का अंडा देखिए बाहर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके अंदर रखूँगा ना ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि बेबी जो है ना इसमें से निकलेगा नहीं भाई, क्योंकि ये इंक्यूबेटर जो है सही मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसको मैं अभी बंदे को बुलाऊँगा, उससे मैंने इसको लेके जाके जब चेक करवाता हूँ कि इसमें मसला क्या है, इसको लेके जाके हमने चेक करवाना है। अभी हम डक्स को डालते खाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो भाई सिम्बा पूरा भोंकना सीख गई है भाई,
सिम्बा। तो इंशाल्लाह एक दिन, अभी एक दो दिन में ना मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको चेक करवाऊंगा इसमें मसला क्या है, और सिम्बा को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। सिम्बा यहाँ भाई, सिम्बा मैंने कहा था तुमको छांव समझ आएगी, तुमको तो छांव समझ ही नहीं आ रही है भाई। अभी आ जाना यार वहाँ से, सारा केस खुला हुआ है वहाँ पर, आप निकल ही नहीं रही हो वहाँ से। आ जाओ यहाँ से, आ जाओ यहाँ से, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, शाबाश, आ जाओ बाहर ही आ जाओ, आप नहीं अंदर बैठो। अरे उफ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं, अल्लाह अकबर। मैं तो सोच रहा हूँ व्लॉग ना शाम को शूट किया करूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। कोशिश करते हैं फिर भी हम ना आपके लिए व्लॉग शूट करने की। तो अभी अभी हम अपना व्लॉग रोकते हैं, इंशाल्लाह रात को आते कंटिन्यू करते हैं यार इसको, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं चलता हूँ रात को आता हूँ, रात को कंटिन्यू करता हूँ। तो यार आज मैं आते हुए सिम्बी का जो है ना वो, आज मैं मिनी जो आ रहा था तो मैंने आते हुए सोचा कि क्यों ना मिनी सिम्बी का जो है ना खाना लेकर आता लेकर आया जाए, क्योंकि आपको पता है शाम को सुबह मैं चले जाता हूँ काम पे, शाम को आता वापस, तो वापस जब भी आता हूँ मैंने एनिमल्स वगैरह को, पेट्स वगैरह को देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। आज हमारी सुरखा में देखा, फिर एक और अंडा दिया है, वो पड़ा हुआ अंडा मैं आपको दिखाता हूँ। सिम्बी सुधर जा, सुधर। तो ये सिम्बी का खाना है, सिम्बी को डाल देते हैं। सिम्बी बहुत ही ज़्यादा उतावली हो रही है, उतावली। सिम्बी सुधर जा, सुधर। अबे निकल आओ, ये कैसे खाई जा रही है यार, कुछ जंगली माहौल चल रहा है। जाओ जाओ लड़ो आपस में, जो तय करना भाई तय कर लो, मैं बीच में नहीं हूँ। सुरखाब का एक और अंडा, माशाल्लाह आप अंडे सही सलामत दे रही है यार, ये चीज़ देखने वाली। सिम्बी बस ख़त्म, सिम्बा बस यही था भाई, यही था मेरे पास। अब पानी पिला देता हूँ आपको। हाँ जी भाई, सुरखाब का एक और अंडा है, इसको हम ले जाते हैं अपने सेफ्टी रूम में रख देते हैं। उससे पहले सिम्बी को पानी पिला दूँ भाई, इससे पहले सिम्बी मुझे लपके, मैं सिम्बी को पानी दे देता हूँ। सिम्बा ये लो सिम्बा, कोई गिरना जाए, ये लो पी लो, पानी पी लो, तब तक मैं इस अंडे को संभाल कर आता हूँ, इसको सेफ्टी रूम में ले जाता हूँ, वहाँ ले जाकर रख देता हूँ। एक और अंडा मारा गया, बड़ा मैंने यार इसका। हाँ ये रहे सुरखाब के दो अंडे, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इसके अंदर रख देता हूँ, अल्लाह करे इस बार जो है ना फर्टाइल हो जाए, इसमें भी बेबीज वगैरह निकल आए, क्योंकि बाकी जितने भी अंडे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे यार, देख सकते हैं 8 अंडे। बिस्मिल्लाह पढ़ के रखते हैं, अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाह रही, अल्लाह करे इसमें से बेबीज निकल आए। आ भाई सिम्बी भी अंदर आ गए, चलो भाई सिम्बी बाहर आओ, आओ भाई सिम्बा, और क्या दूँ बेटा, कुछ नहीं है कहीं अभी आपके लिए, मेरे पास और कुछ नहीं है, सब जो था ना वो मैंने आपको डाल दिया हुआ है। और आज हमने क्या करना है इंशाल्लाह, अभी मेरा इरादा था मैं ये काम करूँगा पर मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं जो है ना मिनी जो आते आते लेट हो गया, मैंने इस पर क्या करना है, हम इंशाल्लाह इनके ना नेस्टिंग बॉक्स लगाने वाले हैं बहुत जल्द, कबूतरों के हम नेस्टिंग बॉक्स लगाएंगे इधर इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, ये वाले जो बॉक्सेज है ना, बॉक्सेज ये वाले, इनको ऐसे करके लगा दिया जाए जैसे कि इनको आसानी रहे अंदर जाके ब्रीड करने में, उधर जाओ, इनको अंदर जाके ब्रीड करने में आसानी रहे, तो मैं इन सबको पानी और दाना पानी सब कुछ डाल देता हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा।